तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहुं ओर, बसीकरण एक मंत्र है तजदे वटन कठोर। कोई भी व्यक्ति संसार में हमारा मित्र और शत्रु बनकर के पैदा नहीं होता, हमारा व्यवहार और हमारी बोली ही उसे मित्र या शत्रु बनाती है। आप यहां पर बैठे हो, यहां पर कोई किसी का मित्र शत्रु नहीं है, सब अपरिचित हैं। अब आप अपने व्यवहार से और अपनी बोली से किसी को भी अपना मित्र बना सकते हो और किसी को भी अपना, बगल में बैठा है ए ढंग से थोड़ा दूर बैठ हो गई ना शत्रुता, फिर उसे भी मौका मिलेगा तो फिर वो भी आपको इसी तरह से टिट फॉर टाइट करेगा, तो हो गई शत्रुता की प्रारंभ, है ना। और वहीं थोड़े अपने को असाधारण, आइए आइए बैठिए, शब्द ही तो है, शब्द से ही सब कुछ है। इसलिए हम कृष्ण चरित्र सुन रहे हैं ना, कृष्ण के होठों पर बांसुरी है, वो बांसुरी हमको तीन बहुत अच्छा संदेश देती है। पहला संदेश देती है, बांसुरी जब भी बजती है मीठी बजती है। आप देखो बांसुरी बजती तो कैसी बजती है, बांसुरी कहती है तुम तब भगवान के प्रिय बनोगे। बांसुरी भगवान को बहुत प्रिय है, कृष्ण के हाथों से आप बांसुरी निकाल दो, कृष्ण का जो है वो परिचय समाप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कृष्ण का परिचय कौन देती है, बांसुरी। कृष्ण को बहुत प्रिय बांसुरी है, और वो बांसुरी जब बजती है तो कितनी मीठी बजती है, नहीं बजती, तो बांसुरी कहती है जब भी बजो, जब भी बोलो, कैसा बोलो, मीठा बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल। हमारे संतों ने कहा बचने का दरिद्रता, बोलने में क्या जाता है, बोलने में पैसा नहीं लगता है, ये जिह्वा हमारे मुख में है, किसी को मीठा बोल दिया उसको अच्छा लगता है और उसके फलस्वरूप आपको भी अच्छा मिलता है। तो बचने का दरिद्रता, मीठा बोलने में जब हमारा कुछ नहीं लगता तो मीठा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि मीठा उनसे बोला ही नहीं जाता, जब भी बोलेंगे कड़वा ही बोलेंगे, इसलिए परिवार वाले कहते तुम चुप रहा करो। बांसुरी में तीन सदगुण हैं, बांसुरी जब भी बोलती क्या बोलती है, मीठा बोलती। आपको भी क्या बोलना है, और खासकर मैं बुजुर्गों से निवेदन करूं, आप लोग जब भी बोलो ना मीठा बोला करो, क्योंकि कड़वा बोलने से आपको क्या मिलेगा, कड़वा हटी मिलेगी। भले देख लो कि दूसरे की गलती है, लेकिन अब आपका वो समय नहीं रहा कि कोई आपकी सुनने के लिए तैयार हो। समझदार वो है जो समय के हिसाब से चले, और यदि आप समय के हिसाब से नहीं चलोगे तो सिवाय दुख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो जमाना गया जब पूरा घर आपसे डरता था, आपके अधीन चलता था, अब तो समय बदल गया है, अब आपको भी बदलना चाहिए। ऋतु बदलती है, और यदि आप अपने आप को नहीं बदलो तो परेशान नहीं हो जाओगे। अभी जाड़े का मौसम है, हमने गर्म कपड़े पहने हैं, अब हम ये ठान के बैठ जाएं कि हमें तो 12 महीने गर्म कपड़े पहनना, तो गर्मी में हमारा क्या हाल होगा, है ना। ऋतु बदले तो हमें बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, बदलना चाहिए ना। और गर्मी में हम कुछ नहीं पहनते हैं, थोड़ा सा बहुत हल्का फुल्का पहनते हैं, और सर्दी आ जाए और बद्रीनाथ में जाना पड़े, हम तो कहेंगे नहीं हमारा नियम तो हम हल्का फुल्का पहनेंगे, तो वहाँ से सीधे अस्पताल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा ना। अभी हम बद्रीनाथ में थे, जिन्होंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फैशन में रहे वो अस्पताल पहुँचे। हुआ ये कि बद्रीनाथ में, अब महिलाओं के लिए मैं क्या कहूँ, प्रेम भैया भागवत कथा, और भयंकर ठंडी, वहाँ रात में माइनस तक में पहुँच रहा था टेम्परेचर। अब वो टीवी पे कथा आ रही थी तो ठीक ठाक दिखना चाहिए, तो कपड़े नहीं पहने, वो ब्लाउज पहन करके वहाँ, बाद में बहुत सी बीमार पड़ी। हम समय के साथ थोड़ा सा अपने को एडजस्ट करना सीखें, समयानुकूल कर चलना सीखें, और जो समयानुकूल चलता है मैंने देखा है उसके जीवन में मधुरता रहती है, उसको मधुरी मिलता है। तो भगवान कृष्ण की बांसुरी हमें क्या सिखाती है, मधुर बोलो कड़वा नहीं। दूसरा है, अब बांसुरी में जब फूक मारो तब वो बांसुरी बजती है,
मतलब बिना फूके मत बचो, मतलब जब तक आपसे पूछा नहीं जाए तब तक रायचंद मत बनो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है? नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। बिना मतलब के रायचंद मत बनो, नहीं तो परेशानी में रहोगे। बांसुरी संदेश देती है, कृष्ण की प्रिय है ये बांसुरी, और आप कृष्ण के भी प्रिय बनोगे और दुनिया के भी प्रिय बनोगे। बिना एक उम्र होने पर घर में भी, बाहर बाहर तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, घर में भी जब तक पूछा ना जाए तब तक मत बोलो। और तीसरा है, बांसुरी के अंदर कोई गांठ नहीं रहती है, अपने अंदर भी कोई गांठ मत रखो। गन्ना आप लोगों ने देखा है, गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती है। मतलब जहां पर रस, जहां पर गांठ होगा वहां पर रस नहीं। आप भी अपने अंदर कोई गांठ बांध करके रखोगे ना, आपके जीवन का रस चला जाएगा, आप निरस हो जाओगे। यदि आपको अपना जीवन सरस रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गांठ नहीं रखनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, ऐसी गांठें बांध करके रखते हैं कि वो गांठ कभी खुलती नहीं है, सीधे शमशान में जाके जलती है। समझ गए? बात समझ में आया आपको? वो गांठ हम लोग ऐसे बांध करके रखते हैं कि वो गांठ कभी नहीं खुलती, और जब खुलती नहीं है तो वो गांठ बार बार आपको पीड़ा देती है। हमें पीड़ा स्वीकार है लेकिन उस गांठ को समाप्त करना स्वीकार नहीं है। ये शास्त्र कहते हैं गांठ रहित आप प्रतिशोध की भावना को छोड़ करके अपना जीवन चलाओ तो आप देखें आपका जीवन कितना मधुर बनता है। जीवन की मधुरता महत्वपूर्ण है, प्रतिशोध महत्वपूर्ण नहीं है। आपने किसी से प्रतिशोध लिया वो आनंद दो चार दिन का हो सकता है, लेकिन यदि आपने उसको क्षमा कर दिया ये आनंद जीवन भर का रहेगा। किसी ने दो चार शब्द बोल दिए आपको और आपने कहा अच्छा इसने मुझे ऐसा कहा तो मैं भी बताता हूं कि मैं कौन हूं, या मैं भी बताती हूं कि मैं कौन हूं, और वहीं से आपका कुचक्र प्रारंभ हुआ। अब आप कुचक्र में फंसते गए, आपने अपना पूरा अंतकरण बर्बाद कर दिया। वो तो उसका क्या बिगड़ेगा, उसका तो शायद आप बाद में कुछ बिगाड़ पाओगे, उसके पहले आपने अपना सब कुछ बिगाड़ दिया। जीवन को मधुर बनाने के लिए कुछ नियम है, अपने अंदर किसी प्रकार की गांठ मत रखो, मतलब किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखो, किसी प्रकार का प्रतिशोध मत रखो, फिर आप देखना आप अंदर से कितने आनंदपूर्ण रहते हैं। जीवन का आनंद महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण कैसे बना सकते हैं, आनंदपूर्ण कैसे बना सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और गांठ बांध ली हमेशा रोग है। मैं एक घटना बहुत बार कहता हूँ, मेरे जो पुराने श्रोता हैं उन्होंने सुनी होगी। एक लगभग 75-80 साल की मैया अपने पड़पोती बहू के सामने, पड़पोता बहू के सामने आई तो देखा उसने दादी जी रो रही हैं। अब 75-80 साल की पोते की पत्नी भी है, यानी पड़पोते के पोता या पड़पोते के, तो कहा दादी आप क्यों रो रही हो, क्या हो गया? कहा क्या बताऊं बेटा, आज से 40 साल पहले तेरी सास की माँ ने एक बार मैं गया था तो मुझे गाली दी थी, ऐसा कुछ किया था, तो तब याद करके रो रही हूँ। 40 साल पहले आज दादी जी आज रो रही हैं। कितने साल पुरानी घटना है ये? तेरी सास की माँ ने, यानी उनके समधिन ने। हम यदि गांठ बांध करके रखेंगे, कैंसर बहुत खतरनाक होता है ना। कैंसर क्यों, कैसे होता है? कहते गांठ बन जाती तभी तो कैंसर होता है ना। तो जीवन फिर नरक बन जाएगा। किसी चीज की गांठ हम अंदर नहीं रखें, हम प्रतिशोध की भावना अंदर नहीं रखें, ऐसा यदि हमारा जीवन है